नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वो है ड्राइव सिस्टम, मतलब फोर व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव, इन सब के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपने सुना तो जरूर होगा कि ये जो व्हीकल है या ये जो गाड़ी है ये दो व्हील ड्राइव है, ये फोर व्हील ड्राइव है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये रियर व्हील ड्राइव है, ये ऑल व्हील ड्राइव है, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा या कहीं किसी गाड़ी के पीछे आपने लिखा देखा होगा कि 4WD AWD। तो इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं ये चीज सुन रखी है, लेकिन आप नहीं जानते अगर कि ये चीज क्या होती है, तो ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हर एक सिस्टम को आपको एक एक तरीके से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि पावर देती है पूरी गाड़ी को, वो होता है उसका इंजन। क्या होता है उसका इंजन? यह जो इंजन होता है ये आगे स्थित होता है इस तरीके से, मतलब ये आगे माउंट किया जाता है। जनरली सारे गाड़ियों का इंजन आगे ही माउंट किया जाता है, लेकिन नैनो और फरारी ये कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनका इंजन आगे ना होते हुए पीछे डिक्की में होता है, समझ गए, और इनकी डिक्की आगे होती है, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते। तो ये आप समझ गए। अब इसी इंजन की पावर को सप्लाई करने के अलग अलग तरीके, उसे हम कहेंगे फ्रंट व्हील, रियर व्हील, फोर व्हील और ऑल व्हील ड्राइव। क्योंकि इंजन की पावर जब तक पहियों में ट्रांसमिट नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी या पहुंचाई नहीं जाएगी, तब तक गाड़ी का चलना पॉसिबल नहीं है। इसका चलना क्या है? असंभव है। तो चलिए आपको अच्छे से एक पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे अच्छे से देखिए। देखिए यार, रियर व्हील ड्राइव सबसे पहले मैंने ले रखा है, दूसरा मैंने ले रखा है फ्रंट व्हील ड्राइव, तीसरा ऑल व्हील ड्राइव और यहाँ फोर व्हील ड्राइव। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि रियर व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव ये टू व्हील ड्राइव सिस्टम के पार्ट है। टू व्हील ड्राइव यानी इसमें दो पहिए गाड़ी के, या तो आगे के या तो पीछे के, कोई भी दो पहिए हमारे गति में रहेंगे, मतलब उनके पास खुद की चलने की क्षमता रहेगी, उनमें पावर रहेगी, ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ हमने फर्स्ट पिक्चर में रियर व्हील ड्राइव लिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ इंजन है, ये पीले कलर का इंजन है, यहाँ ट्रांसमिशन है और ट्रांसमिशन से ये जो रॉड है, ठीक है, जिसे आप कहेंगे कनेक्टिंग शाफ्ट या आप इसे कह सकते हैं ड्राइव शाफ्ट, तो ड्राइव शाफ्ट इस डिफरेंशियल से कनेक्टेड है। किससे? डिफरेंशियल से। अब ये ड्राइव शाफ्ट जो ये डिफरेंशियल से कनेक्टेड है, और डिफरेंशियल के अंदर कुछ गियर्स होंगे जो गियर्स इन दो पहियों को ताकत देने का, पावर देने का काम करेंगे, जिस कारण से जब ये घूमेंगे तो गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी। इस सिस्टम में सिर्फ पीछे के व्हील्स में ही पावर है, पीछे के पहियों में ही पावर है, आगे के पहिए में किसी भी तरीके की कोई पावर नहीं है, समझ गए, क्लियर आता। और देखो फ्रंट व्हील ड्राइव, अब फ्रंट व्हील ड्राइव में आगे के पहियों में ही बच्चों शक्ति होगी, पावर होगी, पीछे के पहियों में नहीं होगी, ठीक है। अब पीछे के पहिए जो है ये सिर्फ खींचे जा रहे हैं क्योंकि आगे के पहिए चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों सिस्टम के फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लें, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो फायदा है रियर व्हील ड्राइव का, वो है लोड खींचने की क्षमता। अब लोड खींचने की क्षमता जो होती है रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों की, वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम, ठीक है। अब सेकेंड इसमें और एक फायदा है जो कि आपको मिलेगा, चलते हुए गाड़ी जो होती है, ये जो गाड़ी होती है हमारी रियर व्हील ड्राइव, तो इस गाड़ी में आपको स्टेबिलिटी का फायदा होता है। चलते हुए ये गाड़ी ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी, ठीक है। इसके कॉन्स यानी इसके नुकसान, प्रोज यानी फायदे, एक बार कलर बदल लूं मैं थोड़ा, फायदे और ये नुकसान, ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसके जो नुकसान है वो क्या है, देखो इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है आपको माइलेज नहीं मिलेगा। क्यों माइलेज नहीं मिलेगा इन गाड़ियों में? क्योंकि ये जो गाड़ियां है ये ज्यादा फ्रिक्शनल लॉसेस करेगी, फ्रिक्शनल लॉसेस यानी घर्षण के कारण। अब घर्षण क्या होगा, तो देखिए यहाँ इंजन से कनेक्टेड है ये शाफ्ट, ठीक है, जो ड्राइव शाफ्ट है वो, और उसके बाद ये डिफरेंशियल, तो इस सब में मैकेनिकल पार्ट्स यानी
हमारे जो नंबर ऑफ पार्ट्स है मतलब ज्यादा पार्ट्स बढ़ने के कारण इनके बीच में फ्रिक्शन तो बनेगा ही, चाहे आप कितना भी अच्छा ऑयल डाल लो, कितना भी आप उसे ल्यूब्रिकेट कर लो, मतलब उसमें ऑयल वगैरह डालो, लेकिन ये कभी भी फ्रिक्शन जीरो नहीं कर पाएगा। सारी चीजें मिलके भी कुछ ना कुछ लॉस तो होगा, इसीलिए इनका माइलेज फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों से रियर व्हील ड्राइव का गाड़ियों का माइलेज क्या होता है, हमेशा कम होता है। और आगे अगर आप देखो तो एक और नुकसान है इनका हाइट, इनकी हाइट ज्यादा होगी ठीक है एज कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी। क्यों? क्योंकि जो इनका शाफ्ट होता है ये ड्राइव शाफ्ट, ये कुछ नीचे इस तरीके से, अगर ये गाड़ी है तो ये कुछ नीचे इस तरीके से कनेक्ट होगा इस तरीके से, जिस कारण से जब ये किसी स्पीड ब्रेकर वगैरह से जाएगी तो नीचे टकरा जाएगी, इसीलिए ये ऊंची बनाई जाती है जिससे कि वो नीचे ना टकराए। समझ गए? चलो अब फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के प्रोस देखते हैं, मतलब इसके फायदे देखते हैं। अब जो इसके नुकसान है वो इसके फायदे हैं। सबसे पहला फायदा माइलेज, क्योंकि इसमें डायरेक्टली इंजन से पावर आ रही है फ्रंट व्हील्स में, तो इसमें बहुत कम डिस्टेंस है और साथ में किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा मैकेनिज्म की या एक्स्ट्रा किसी भी रॉड की वगैरह जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट पावर मिल रही है तो माइलेज बढ़ गया क्योंकि फ्रिक्शनल लॉसेस कम हो गए। सेकेंड हाइट, अब हाइट भी कम, क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की रॉड का यूज नहीं हुआ जो कि नीचे लग सके, इसलिए डायरेक्टली हमने हाइट कम कर लिया। हाइट कम, ये जनरली पैसेंजर कार्स में यूज होने वाला सिस्टम है फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम, और ये रियर व्हील ड्राइव सिस्टम ट्रक्स में यूज होता है या जो हैवी लोड कैरी करने वाले व्हीकल है जैसे छोटा हत्ती वगैरह, इन सब में यूज होता है ठीक है। अब कॉन्स में देखो, कॉन्स इसका पहला, लोड नहीं खींच पाएगी गाड़ी ज्यादा क्योंकि इसके आगे के चक्के घूमते हैं और लोड पीछे होता है तो खींचने में मुश्किल जाती है। वही यहाँ डायरेक्ट लोड यहाँ होगा और ये पीछे के चक्के घूमेंगे तो आसानी से लोड खींचा जा सकता है। और सेकेंड, ये गाड़ी स्टेबल कम होगी। अब स्टेबल क्यों कम होगी सर आप बोलोगे, तो देखो जो आगे के पहिए उनमें ही पावर और साथ में स्टेयरिंग जो हम घुमा रहे हैं वो भी इसी के सहारे गाड़ी पलटी लेगी। स्टेयरिंग का भी इसमें ही जो टॉर्क है, स्टेयरिंग जब घुमाएंगे तो जो भी प्रोड्यूस होगा वो भी इसी इन्हीं व्हील्स में आने के कारण ये स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ी सी कम होगी। लेकिन बहुत बड़ी गाड़ी रही तो जनरली हमारी जो नॉर्मल गाड़ियां होती है 8-9-10 सीटर तक, उनमें ये सब कोई इशू नहीं है ठीक है। समझ गए? चलो अब ऑल व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव में आपको बता दूं तो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में आगे के व्हील्स में भी पावर और पीछे के व्हील्स में भी पावर, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में आप इस सिस्टम को कभी भी बंद नहीं कर सकते, ये हमेशा चालू रहेगा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। और वही अगर मैं फोर व्हील ड्राइव सिस्टम की बात करूं तो इसमें आपको दो गियर मिलेंगे ठीक है। अब इसमें एक चीज जो बहुत फायदेमंद है कि इसमें हमारा जो नॉर्मल गियर होता है 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी गियर होते हैं गाड़ी में और एक रिवर्स गियर, उसके साथ साथ बाजू में और एक गियर लीवर होता है जो कि फोर व्हील ड्राइव को एंगेज करने का या डिसएंगेज करने का, मतलब उसे फोर व्हील ड्राइव में डालने का गाड़ी को या निकालने का काम करता है ठीक है। उसमें भी मोड्स होते हैं तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जिस कारण से इस गाड़ी को हम नॉर्मल टू व्हील ड्राइव व्हीकल की तरह भी चला सकते हैं और फोर व्हील ड्राइव व्हीकल की तरह भी चला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसलिए फोर व्हील ड्राइव सिस्टम में भी चारों चाहिए पहिए चलते हैं और यहाँ भी चारों पहियों में शक्ति होती है, लेकिन ये आप ऑफ नहीं कर सकते और ये आप ऑफ कर सकते हो। इसमें एक और डिफरेंस है कि वो सेंट्रल डिफरेंशियल यूज करता है और ये सेंट्रल डिफरेंशियल यूज नहीं करता है। ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम थोड़ा सा एडवांस माना जाता है फोर व्हील ड्राइव सिस्टम से, इसीलिए जो थोड़ी बहुत आजकल की मॉडर्न गाड़ियां उनमें जनरली ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आपको मिलता है एज कम्पेयर टू फोर व्हील ड्राइव सिस्टम। तो चलिए अब आगे आपको कुछ थोड़ा बहुत और नॉलेज दे दूं, तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको डिफरेंशियल बताना चाहूंगा, इतने देर से डिफरेंशियल किए जा रहे हैं तो एक बार जरूरी से देखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये प्रोपेलर शाफ्ट यानी जो हमारा ड्राइव शाफ्ट है उससे पावर आएगी, ये हरे रंग का आपको दिख रहा है, इसके ऊपर इस तरीके से व्हील है तो ये रोटेशन कर रहा है ठीक है। तो इसके मोशन को यहाँ ये जो क्राउन व्हील है इसके दांतों के थ्रू मतलब इसके तीज के थ्रू इसके तीज इसमें फंसे है जिस कारण से ये घूमेगा, तो ये इस तरीके से जब घूमेगा ठीक है तो उसी के साथ ये जो अंदर के जो है ये दिख रहे हैं आपको ये और ये, तो ये दोनों भी साथ साथ में रोटेट होंगे जिस कारण से पीछे के पहियों को क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी। देखो यहाँ टॉर्क मिल रहा है इन्हें ठीक है, जिस कारण से पीछे के चक्के घूम रहे हैं ठीक है। अब ये जो है ये पूरा इसका केसिंग है ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा सा ये वाला ये लाल रंग का ये केसिंग है, इसके अंदर ये पूरी चीज है ठीक है। अब यहाँ देखो
ये जब आप कोई भी गाड़ी टर्न लेती है मोड़ पे, ठीक है, तो डिफरेंशियल क्या काम करता है कि एक जो पहिया होता है वो ज्यादा घूम जाता है, मतलब ज्यादा उसको पावर होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त देखो, सोचो आप गाड़ी में चल रहे हो तो आपने इस साइड टर्न लिया, तो इस वाला इधर वाला जो चक्का है वो ज्यादा घूम जाएगा, इधर वाला चक्का कम घूमता है, तो उसका जो ये घूमने का डिफरेंस है, मैं सादे नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ, वो बैलेंस करने का काम इनका होता है, ये हरे वाले, ठीक है। तो इसीलिए ये लगे हैं। अब ये तो हमारे जनरल घुमाने के लिए, सिर्फ जब स्ट्रेट में गाड़ी जाती है तब ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ मैंने छोटा हाथी और यहाँ बड़े ट्रक ले लिए, यहाँ देखो ये इन सब में यहाँ नीचे डिफरेंशियल होगा, देखो कुछ इस तरीके का, और यहाँ होगा इनका रॉड, जो रॉड को क्या बोलते हैं हम, ड्राइव शाफ्ट, क्या, ड्राइव शाफ्ट, तो इस तरीके से ड्राइव शाफ्ट होगा, इसीलिए जनरली जो ट्रक होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, ऊंचे यानी हाइट बहुत ज्यादा होती है उनके जनरली, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ दो कार्स ले ली, ये दोनों यहाँ इंजन इनका आगे है और इनके आगे के पहियों में शक्ति है, ये दोनों कार्स फ्रंट व्हील ड्राइव, जितने भी नॉर्मल गाड़ी है अल्टो से लेके तो आप बोल सकते हो बड़ी बड़ी गाड़ियों तक, जैसे टाटा सफारी या XUV 500, इन सब में जनरली यही होता है, ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम। अब आगे अगर आप देखें तो ये हमारी थार, प्यारी थार जो कि सब इंडिया को पसंद है, तो इस गाड़ी में भी फोर व्हील ड्राइव सिस्टम आता है, लेकिन नई वाली जो थार है उसमें टू व्हील ड्राइव सिस्टम भी आता है जो कि रियर व्हील ड्राइव के साथ चलती है। ये फॉर्च्यूनर में सिर्फ फोर व्हील ड्राइव आता है, इसमें टू व्हील ड्राइव वाला वेरियंट भी आता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें भी फोर व्हील ड्राइव के साथ टू व्हील ड्राइव भी मिल जाता पहले, ठीक है। अब देखो इसमें दो व्हील ड्राइव सिस्टम पीछे आता है, पीछे, ये क्यों, क्योंकि जिसमें पीछे टू व्हील ड्राइव सिस्टम भी हो गाड़ी में, वो भी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग तो कर ही लेती वो गाड़ी, जैसे कि आपको पता है आपकी सबकी प्यारी, मेरी भी प्यारी बुलेरो, बुलेरो अगर आपने कभी चलाई हो तो आपको पता होगा उसके पीछे के पहियों में ही पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना टॉपिक खत्म करता हूँ, यहाँ मैंने और एक चीज ले ली है, देखो ये मिलिट्री ट्रक, तो ये मिलिट्री का ट्रक भी फोर व्हील ड्राइव होता है, क्यों होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जानकारी लेने की कोई उम्र नहीं होती, जब तक आप चाहो जितना चाहो उतना नॉलेज लेते रहिए, मैं आपको नॉलेज देते रहूंगा, स्टडी विद यू निक के साथ बने रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।